हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, हम सभी जानते हैं कि गोल्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है, और अभी हमने देखा कि कुछ कंट्रीज में जब लड़ाइयाँ चल रही थी तो गोल्ड के रेट जो है आसमान में छू रहे हैं। बट क्वेश्चन अराइजेज, आज के टाइम में जब आप गोल्ड बाय करने जाते हैं तो कितने प्राइस तक का गोल्ड या कितने वेट तक का गोल्ड आप कैश में परचेज कर सकते हैं? क्योंकि ये अगर हम बात करें, जो गोल्ड सेक्टर है, ज्वेलरी सेक्टर है, ये PMLA के अंडर में गवर्नमेंट ने कर दिया है, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसके लिए मैं आपको ये रूल बता देता हूँ कि आप जो कैश में गोल्ड परचेज कर सकते हैं वो केवल 2 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। 2 लाख के ऊपर आप कैश में परचेज नहीं कर सकते। अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगा रखी है। अब ये पेनल्टी किसके ऊपर होगी? ये पेनल्टी बेचने वाले के ऊपर होगी, यानी ज्वेलर्स के ऊपर होगी, और ये पेनल्टी 100% के बराबर है। तो सपोज कर लीजिए, अगर आप 3 लाख रुपए का गोल्ड लेते हैं तो 3 लाख की ही पेनल्टी लगेगी। तो अब आप समझ सकते हैं, जो गोल्ड ज्वेलर होगा वो कभी भी आपको फिर 2 लाख से ऊपर कैश में डीलिंग नहीं करने देगा। 2 लाख तक अगर आप कैश में डीलिंग करते हैं तो कोई भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन अराइजेज, अगर हम 2 लाख के ऊपर बाय करते हैं तो उसमें और क्या क्या हमें कंसिक्वेंसेज हैं और किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है? तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग, अगर आप 2 लाख के ऊपर गोल्ड ज्वेलरी बाय करते हैं तो आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड की डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ अगर 10 लाख के ऊपर आपने बाय किया है तो जो ज्वेलर्स हैं वो गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में बताएंगे भी कि आपने 10 लाख के ऊपर गोल्ड ज्वेलरी बाय किया उनसे। तो ये बहुत बेसिक रूल्स थे, हम सभी को पता होने चाहिए। आई थॉट आपके साथ शेयर करूँ। वीडियो पसंद आया हो ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारी चैनल अंकित फाइनेंस क्लब को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।